देवी दुर्गा के दर्शन के लिए भक्त कहां कहां नहीं पहुंचते। नवरात्र के पावन पर्व पर मंदिरों में लाखों की तादाद देखने को मिलती है। आज हम जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं वो एक सिद्ध मंदिर है, जहां पर भक्त अपनी मुरादें खुद देवी को बताने के लिए दूर दूर से आते हैं। पंचकुला में स्थित सालों पुराना सिद्ध मंदिर, जिसे माता मनसा देवी के नाम से जाना जाता है। माता मनसा देवी का मंदिर बड़ा ही प्रभावशाली है, क्योंकि यहाँ भक्त यदि अपने मन की बात ना भी कहे तो माता मनसा देवी उसकी मनोकामना पूर्ण कर देती है, क्योंकि माता को केवल भक्त के प्रेम की लालसा होती है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ चैत्र और अश्विन मास के नवरात्रों में भव्य मेला लगता है, जिसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु माता मनसा देवी के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ लोग माता से अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आशीर्वाद लेते हैं, और ऐसा माना जाता है कि माता मनसा देवी से मांगी गई हर मुराद माता पूरा करती हैं। माता मनसा देवी का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि अन्य सिद्ध शक्तिपीठों का। माता मनसा देवी के सिद्ध शक्तिपीठ पर बने मंदिर का निर्माण मणि माजरा के राजा गोपाल सिंह ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर लगभग पौने 200 साल पहले बनवाया था। मंदिर के निर्माण में 4 साल लगे थे। मंदिर की नक्काशी सफेद संगमरमर से की गई है। मंदिर के मुख्य द्वार से ही माता की मूर्ति दिखाई देती है। मूर्ति के आगे 3 पिंडियां हैं, जिन्हें माँ का ही रूप माना जाता है, और ये तीनों पिंडियां महालक्ष्मी, मनसा देवी और सरस्वती देवी के नाम से जानी जाती हैं। मंदिर का रहस्य, 3 किलोमीटर लंबी गुफा। मनसा देवी का मंदिर पहले माँ सती के मंदिर के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि जिस जगह पर आज माँ मनसा देवी का मंदिर है, यहाँ पर सती माता के मस्तक के आगे का हिस्सा गिरा था। मणि माजरा के राजा गोपाल दास ने अपने किले से मंदिर तक एक गुफा बनवाई थी, जो लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। वे रोज इसी गुफा से माँ सती के दर्शन के लिए अपनी रानी के साथ जाते थे, और जब तक राजा दर्शन नहीं करते थे तब तक मंदिर के कपाट नहीं खुलते थे।